हेलो एवरीवन, नमो नमः विद्यार्थीगण। आज हम स्टैंडर्ड 7 एंड स्टैंडर्ड 8 दोनों के लिए मैंने यहाँ पे एक दूसरी संस्कृत स्टोरी लेके मैं आई हूँ, जिसका आज हम अभ्यास करेंगे। बहुत अच्छी स्टोरी है, शायद आपने पढ़ी भी होंगी, लेकिन हम इसको संस्कृत में पढ़ेंगे। स्टार्ट कर रही हूँ। बकह कर्कटक चह, यानी द स्टॉक एंड द क्रैब। बकह मीन्स द स्टॉक, जिसको बगुआ बोलते हैं, कर्कटह यानी क्रैब, ठीक है, जिन्हें गुजराती में आपणे करछलो कहिए। हिमालय समीपे एक सरोवर आसीत। हिमालय जो पर्वत है, माउंटेन, तो वहाँ पे एक लेक था, सरोवर यानी लेक। देर वॉज अ लेक नियर द हिमालयास। तस्य सरोवरस्य समीपे एक बकह अवसत। तस्य यानी कि वहाँ, देर सरोवरस्य यानी द लेक, समीपे यानी नियर, एकह यानी वन, एकह बकह यानी एक स्टॉक, अवसत यानी लिव्ड, यानी नियर द लेक देयर लिव्ड अ स्टॉक, यानी वहाँ पे एक बगुआ रहता था। तो यहाँ पे पिक्चर भी मैंने दी है, एक माउंटेन है, मीन्स के यहाँ पे हिमालय के, हम देखते हैं कि जो लेक होते हैं हिमालय साइड के, या कहीं भी जो अभयारण्य जिसको बोलते हैं सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, तो वहाँ पे तालाबों में बहुत सारे मतलब बर्ड्स रहते हैं। तो वहाँ पे भी, यहाँ एक स्टोरी जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसी की बात कर रहे हैं, जिसमें एक लेक में एक मतलब बकह, बकह मीन्स के स्टॉक रहता था। तो उसके बारे में ये स्टोरी है, आगे पढ़ेंगे। कालांतरे सह बकह वृद्ध अभवत, यानी कालांतरे ओवर टाइम, यानी जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, मतलब जैसे ही टाइम बीत जाता है, सह बकह, वह जो बकह यानी जो स्टॉक है, वृद्ध अभवत ग्रु ओल्ड, यानी बूढ़ा हो जाता है। अतः स मत्स्यानाम ग्रहणम कर्तुम असमर्थ अभवत। अतः इसलिए, देयरफॉर, सह यानी ही, मत्स्यानाम यानी जो फिश रहती है, ग्रहणम कर्तुम यानी कि कैच द फिश, असमर्थ अभवत यानी अनेबल टू कैच फिश, यानी जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वह मछलियों को पकड़ पाने में असमर्थ रहता है, यानी अब उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि उतनी फुल एनर्जी के साथ वह फिश को पकड़ सकता है। तो कालांतरे सह बकह वृद्ध अभवत, ओवर टाइम द स्टॉक ग्रू ओल्ड। अतः स मत्स्यानाम, मत्स्या यानी फिश, ग्रहणम कर्तुम असमर्थ अभवत, देयरफॉर ही बिकम अनएबल टू कैच फिश, यानी यहाँ पे अब देखो वो बूढ़ा हो गया है। बहुत सी बर्ड्स वहाँ पे रहते हैं, जैसे इंसान बूढ़ा होता है वैसे बर्ड्स भी बूढ़े होते हैं, ओल्ड एज उनकी होती है, भले इतना आयुष्य हमारे जितना नहीं रहता बर्ड्स और एनिमल्स में, लेकिन वो भी बूढ़े होते हैं। तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उतनी एनर्जी उड़ना ही उनके उड़ने में या फिर शिकार करने में, लाइक कैच द फिश, उतनी उसमें उतनी एनर्जी नहीं रहती है। देन अनंतरम बकह स्वस्य जीवनस्य रक्षणाय एकस्य उपायस्य चिंतनम अकरोत, यानी कि अनंतरम, उसके बाद उसने, बकह यानी स्टॉक ने क्या किया, स्वस्य जीवनस्य रक्षणाय, जीवन यानी लाइफ, स्वस्य यानी ऑन लाइफ, रक्षणाय यानी सेफ, ठीक है, एकस्य उपायस्य यानी उसने एक आइडिया, चिंतनम अकरोत यानी उसने एक आइडिया निकाला उसके लिए बारे में उसने सोचा। इन ऑर्डर टू सेव इट्स ऑन लाइफ इट केम अप विथ एन आइडिया। तो अनंतरम बकह स्वस्य जीवनस्य रक्षणाय इन ऑर्डर टू सेव इट्स ऑन लाइफ एकस्य उपायस्य चिंतनम अकरोत, इट केम अप विथ एन आइडिया, यानी फिर वो अपने जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसकी लाइफ उसको सेव करने के लिए क्या करता है, एक वो आइडिया निकालता है, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका था, ना ही वो मछली पकड़ने में इतना कैपेबल नहीं था, अनेबल था, ठीक है, तो उसमें उतनी एनर्जी नहीं थी। तो अब उसको भूख तो लगेगी, भले बूढ़े हो जाते हैं, भले एनर्जी नहीं रहती, लेकिन खाना तो खाना पड़ता है ना,
तो खाने के लिए अब वो क्या करेगा? तो उसके लिए उसने एक मतलब आइडिया निकाला कि शायद उस आइडिया से उसका पेट भी भर जाए, उसकी लाइफ जो है आगे की वो अच्छे से बीत सके। तो अब वो आगे क्या करेगा देखते हैं। उपाय अनुसारम बकह सरोवरस्य समीपे उपविशय रोदनम अकरोत् तदा एकः कर्कटकः बकम अपश्यत। उपाय अनुसारम यानी एज पर द प्लान, उसने जो उपाय निकाला था, जो आइडिया निकाला था उसके मुताबिक बकह यानी स्टॉक सरोवरस्य समीपे सेट बाय द लेक यानी एक महासरोवर जहाँ पे वो रहता था उसके नज़दीक जाके उपविश्य यानी वहाँ पे जाके बैठता है और रोदनम अकरोत मतलब स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगता है। तदा एट टाइम एकह कर्कटकह यानी कि एक क्रैब जो है क्रैब ठीक है बकम अपशद सो द स्टॉक यानी वो स्टॉक को देखता है यानी कि वो अब उसने आइडिया क्या निकाला कि किसी को भी किसी की हेल्प लेके या किसी को अपनी बातों में उलझा के ऐसा कुछ उसने आइडिया निकाला था। तो देखते हैं अब वो क्या करता है कि उस आइडिया से किसको बातों में उलझाता है ठीक है। तो उसमें उसने क्या किया, सबसे पहले जो वो रो रहा था तो बेचारा क्रैब उसके पास आके पूछता है, अब मीन्स की उसको देखता है और वो पूछेगा आगे जाके क्या उनके बीच में डिसाइड होता है या फिर क्या उसने आइडिया निकाला है, वो सारी चीज़ें हम आगे की स्टोरी में देखते हैं। जिसमें फिर से एक बार थोड़ा बता देती हूँ कि जब वो बक है जो स्टॉक वो बूढ़ा हो जाता है और अब वो फिश को कैच करने के लिए यानी पकड़ने के लिए अनेबल है यानी असमर्थ है, तो वो क्या करता है, उसने एक आइडिया निकाला है। तो उपाय अनुसारम ए बकह सरोवरस्य समीपे यानी वो नज़दीक में जाता है सरोवर के पास और वहाँ पे जाके बैठ के रोने लगता है। तो एक क्रैब जो है वहाँ पे आता है, उसको देखता है तो उसको पूछता है कि वाई आर यू क्राइंग। सह बकस्य निकटे अपृच्छत इट आस्क द स्टॉक भो बक ओ स्टॉक भवान किमर्थम रोदनम करोति इति वाई आर यू क्राइंग, मतलब कि अब जो वो रो रहा था उसने मतलब ऐसा ढोंग कर रहा है वो कि उसको कुछ हार्ट फील्ड हो मीन्स के हार्ट हुआ है या कुछ भी मतलब ऐसा आइडिया उसने निकाला जिसकी वजह से जो क्रैब है वो उसकी बातों में आ जाए। तो बेचारा क्रैब क्या करता है, उसको जाके पूछता है कि वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो ठीक है। वो जो जो से वहाँ पे बैठ के सरोवर के पास रोने लगता है। तो फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, सह बकस्य निकटे अपृच्छत पृच्छता यानी पूछना आस्ट, तो इट आस्ट द स्टॉक भो बक ओ स्टॉक भवान वाई मीन्स की यू ठीक है भवान यानी यू किमर्थम रोदनम करोति इति वाई आर यू क्राइंग यानी आप क्यों रो रहे हो। तो फिर वो पूछता है वाई आर यू क्राइंग। नेक्स्ट बक तस्य प्रश्नस्य उत्तरम अयच्छत यानी जब वो पूछता है क्रैब कि वाई आर यू क्राइंग, तो अब जो बक यानी जो द स्टॉक है वो क्या करता है, प्रश्नस्य उत्तरम यानी उसका क्वेश्चन का आंसर देता है कि द स्टॉक रिप्लाई टू द क्वेश्चन दस कर्कटक अस्मिन् वत्सरे वृष्टिः न भविष्यति यानी ओ क्रैब अस्मिन् दिस वत्सरे यानी ईयर वृष्टि यानी रेन न भविष्यति यानी वी विल नॉट हैव एनी रेन यानी इस बार हमें मतलब अच्छे से बारिश नहीं हुई है तो उसका पानी भी हमें अच्छे से नहीं मिला है। अतः जलस्य न्यूनतयाम वयम पीड़िताः भविष्यामः इसलिए अतः सो वी विल ऑल वयम यानी ऑल पीड़िताः यानी सफर जलस्य न्यूनतयाम यानी जलस्य यानी कि पानी जो है वो बहुत कम है ठीक है। तो सो वी विल ऑल सफ़र फ्रॉम लेक ऑफ वाटर यानी इस बार रेन अच्छे से नहीं हुई है तो इसकी वजह से हम सब सफ़र कर रहे हैं। तो ख़ास करके जो क्रैब जैसे जो है सी एनिमल्स एंड जो स्टॉक वगैरह जो बर्ड्स वगैरह है वो खास करके पानी और लैंड वाटर एंड लैंड दोनों में रहते हैं।
तो उन दोनों को मतलब जो ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स है वो दोनों के लिए मतलब ज़रूरी होता है, लैंड पे भी और वाटर भी इम्पोर्टेंस उसके रहते हैं। तो अगर उनको खाना खास करके जो ऐसे बर्ड्स हैं स्टॉक जैसे, खास करके जो उनका खाना रहता है फिश वगैरह ये सब रहते हैं, तो अगर पानी अच्छा होगा और बारिश अच्छी होगी तो पानी ऑब्वियसली अच्छा ही मिलेगा। तो इसकी वजह से इस बार जो रेन अच्छे से नहीं हुआ है तो उनको वजह से उस मतलब पानी का बहुत जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो बहुत कम है तालाब में, ठीक है। अतः एवं अहम रोदनम करोमि इति, इसलिए दैट इज़ वाई आई एम क्राइंग। कर्कटः अपि दुखितः इदानीं किं कुर्मः, द क्रैब ऑल्सो बिकम सैड। तो अब उस ये सुन के कर्कटः यानी क्रैब भी दुखितः यानी दुखी हो जाता है, लेकिन उसमें वो कुछ नहीं कर सकता। इदानीं किं कुर्मः, तो फिर वो क्या कर सकता है। इति बकस्य निकटे उपायम् अपृच्छत् एंड आस्क द स्टॉक व्हाट कैन वी डू नाउ, यानी वो जो है बक उसको ये बताता है कि इस बार बारिश अच्छे से नहीं हुई है तो इसकी वजह से तालाब में पानी भी कम है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ के रो रहा हूँ सरोवर के किनारे। और कर्कट है यानी जो क्रैब है यह सुन के वह दुखी हो जाता है और पूछता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब हमें इति बकस्य निकटे उपायम अपृच्छत् यानी फिर वो स्टॉक को पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, आप कोई ऐसा उपाय मुझे बताइए। अतः एवं अहम रोदनम करोमि इति यानी दैट इज़ वाई आई एम क्राइंग। कर्कटः अपि दुखितः इदानीं किं कुर्मः, तो द क्रैब ऑल्सो बिकम सैड एंड आस्क द स्टॉक इति बकस्य निकटे उपायम अपृच्छत् यानी व्हाट कैन वी डू नाउ, ठीक है। इस तरह से वह पूछता है। अब वो बकह कुछ उसको बोलता है। बकह अवदत् मम जलपूर्णस्य अनन्यस्य सरोवरस्य परिचयः अस्ति तत्र वयं गत्वा जीवामः इति, यानी अब बक जो है स्ट्रोक वो किसको बोलता है, क्रैब को बोलता है कि मम मीन्स कि मुझे जल पूर्ण से जहाँ बहुत सारा फुल ऑफ वाटर है, प्लेनेटी ऑफ वाटर बहुत सारा वाटर है, ऐसा कोई अन्य सरोवर के बारे में मैं परिचय मस्ती यानी मैं जानता हूँ। तत्र वयम गत्वा जीवामः इति, तो वहाँ पे जाके हम अच्छे से रह सकते हैं। तो बकह अवदत् द स्टॉक सेज मम जल पूर्णस्य अन्यस्य सरोवरस्य परिचय अस्ति यानी आई नो ऑफ अनदर लेक वेर देयर इज प्लेनेटी ऑफ वाटर। तत्र वयम गत्वा जीवामः इति, लेट्स गो देयर एंड वी कैन लिव देयर। फिर अब क्या होता है आगे देखते हैं कि पहले उसने बातों में उसको उलझा दिया है अच्छे से और ऐसा ढोंग किया है कि वो रो रहा था क्योंकि इस बार बारिश अच्छे से नहीं हुई है जिसकी वजह से तालाब में पानी कम है। तो साथ साथ में क्रैब जो है वो भी सैड हो जाता है बेचारा, उसकी बातों में आ जाता है और क्रैब जो है वो उसको पूछता है कि आप ही मुझे कोई ऐसा, आप ही ऐसा उपाय बताओ जिसकी वजह से हम अच्छे से रह सकते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो क्या करता है, बोलता है कि मैं ऐसे एक सरोवर के बारे में जानता हूँ कि जहाँ पे जाके हम अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। कर्कटः तर्हि भवानेव मम बंधुना जनानां च रक्षणं करोतु इति अवदत्। देन द क्रैब सेड प्लीज़ सेव ऑल अवर रिलेटिव्स, यानी जब कर्कटः यानी क्रैब उसको क्या बोलता है कि हमें अपने जो दूसरे रिलेटिव्स है बंधु जनानाम यानी हमारे जो दूसरे भाई बहन है रिलेटिव्स है, च रक्षणं करोतु इति अवदत्, तो उनका भी हमें रक्षण करना चाहिए। वज्जकः बकः एकस्मिन् दिने एकं कर्कटं नीत्वा अखादयत्, यानी द एवरी स्टॉक किल्ड एंड द एट वन क्रैब एवरी डे। अब वो क्या करता है मंस की डेली जो जो मतलब ऐसे क्रैब होते उनको इस तरह से मतलब बातों में वहाँ उलझाता रहता है और डेली उनको खाता रहता है। बकस्य विषये विश्वासः न करणीय, नेवर ट्रस्ट एविल पीपल, यानी जो ऐसे हमारे पास ढोंग करते हैं बातों में हमें उलझाते हैं उनके ऊपर हमें कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यानी जब वो बोलते हैं ना क्रैब
कर्कटः तर्हि भवन एव मम बन्धुजनानां च रक्षणं करोतु इति अवदत्। यानी देन द क्रैब सेड प्लीज सेव ऑल अवर रिलेटिव्स। वज्जकः यानी द एविल स्टॉक यानी बकः यानी स्टॉक एकैकस्मिन् दिने एकं कर्कटं नीत्वा अखादयत। यानी द एविस्टॉक किल्ड एंड एट वन क्रैब एवरी डे। यानी क्या करता है वो बेचारा क्रैब, उसके भाई बहनों को भी, उसके जो रिलेटिव्स है उसका रक्षण करने को भी बोल देता है, और सारे जो उसके जो फैमिली वाले हैं उनके जो रिलेटिव उन सबको वो तालाब के पास ले जाने के लिए वहाँ बोलता है। तो जैसे जैसे ये डेली वो क्या करता है, बक्स एविल जो स्टॉक है वो डेली एक एक क्रैब को वहाँ मार के खा जाता है। तो बकस्य विषये विश्वास नैव करणीयम् यानी नेवर ट्रस्ट एविल पीपल। तो ऐसे लोगों पे हमें कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमें खास करके ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ, मतलब ऐसे जो मतलब पीपल्स रहते हैं उनके ऊपर हमें कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना है। इस स्टोरी से हमें ये मोरल सीखने को मिलता है, अगर आपको कोई ऐसी बातों में उलझा रहा है, आपके साथ चीटिंग कर रहा है, तो हमें मतलब सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। कोई किसी की भी बातों में कहीं भी आके हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। खास करके छोटे बच्चे को ये चीज़ हमें सिखानी चाहिए, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनको भी हमें ये चीज़ सिखानी चाहिए। अगर कोई हमें कुछ भी लालच देता है तो उनकी बातों में हमें कभी नहीं आना चाहिए। अंडरस्टूड? तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस स्टोरी। और ये हम आगे भी कुछ ऐसी स्टोरी में लेके आऊँगी जिसकी वजह से आपको मज़ा भी आएगा और इंटरेस्टिंग भी। और हाँ, एक बात मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि मैंने स्टैंडर्ड 7 एंड स्टैंडर्ड 8 की जो वर्कबुक एक्सरसाइज है सेमेस्टर 1 की, वो सारी मैंने अपलोड कर दी है। आपको वर्कबुक में वो सारी एक्सरसाइज लिखनी है जहाँ पे मैंने लिखा है राइट योर सेल्फ, यानी वो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा, उसमें से देख के आपको उसमें कॉपी करना रहेगा। तो ये थोड़ा बहुत आपके लिए होमवर्क भी रहेगा संस्कृत में। तो जो मैंने चीज़ें राइट योर सेल्फ लिखी है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होगी, फॉर एग्जांपल कि संस्कृत वर्सेस का ट्रांसलेशन हो या संस्कृत वर्सेस हो, वो मैंने आपको जो एक्सरसाइज की पीडीएफ मैं भेजती हूँ, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज की पीडीएफ, उसमें मैं ट्रांसलेशन भी भेजती हूँ। तो ट्रांसलेशन में आपको वर्कबुक में मैं लिख के नहीं देती, वो आपको आपके खुद से ही आपको लिखना है। और संस्कृत जो वर्सेस है वो भी आपको खुद से ही आपकी टेक्स्ट बुक में से कॉपी करके लिखने हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड 8 के लिए इंस्ट्रक्शन दे दूँ कि स्टैंडर्ड 8 का जो मैंने आज ही चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 सेम 2 के जो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 है उसकी पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दी है। वो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज मैंने अपलोड की है। वर्कबुक एक्सरसाइज में नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे को डे होगा आपका टर्न, उस टाइम पे मैं अपलोड कर दूँगी। तो 7th और 8th का जो फर्स्ट सेमेस्टर है जिसमें टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी अपलोड हो चुके हैं, और उसकी जो वर्कबुक एक्सरसाइज है स्टैंडर्ड 7 एंड स्टैंडर्ड 8 के सेम 1 की, उसकी भी एक्सरसाइज मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो आपको उसमें से आपकी वर्कबुक जो है उसमें कॉपी करना है। और एक बार और रिपीट कर दूँ कि जो मैंने लिखा है उसमें राइट योर सेल्फ, तो वो आपको अपने आप से लिखना है नीट एंड क्लीन राइटिंग में, और पेंसिल से ही आपको वर्कबुक में लिखना होता है। अगर किसी ने ये गलती फर्स्ट सेम में की तो सेकेंड सेम की वर्कबुक में वो गलती ना करे। सेकेंड सेम की जो वर्कबुक की एक्सरसाइज है वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। अगर किसी के पास वर्कबुक नहीं है तो प्लीज़ परचेस कर ले कहीं से भी, अगर नहीं है तो आपको नोटबुक में वो एक्सरसाइज लिखनी रहेगी। कंपलसरी नहीं है कि आप वर्कबुक परचेज करो, आपको नोटबुक में भी आप लिख सकते हो, ठीक है, वर्कबुक एक्सरसाइज। तो जो भी पीडीएफ मैं अपलोड करती हूँ तो आपको अच्छे से आपकी वर्कबुक में लिखना है, और जिसके पास नहीं है वो नोटबुक में लिखेंगे, और वर्कबुक में पेंसिल से ही वर्क करना है। धन्यवाद।